एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमी। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं आपके साथ मेरे मॉर्निंग रूटीन्स को शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं अपने इन प्लांट्स को थोड़ी सी सनलाइट में रख दूँगी ताकि इसे भी कुछ लाइट मिल सके। और फ्रेंड्स, ये है पीस लिली। ये दिखने में तो अच्छा दिखती ही है, पर ये एयर को भी प्योरीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे आप देख रहे हो कि मैं आलू को पील कर रही हूँ। इसे पहले मैं छोटे छोटे पीस करके काटूँगी और इसे स्टीमर में अराउंड 10 मिनट स्टीम होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए आलू वाली पूरी बना रही हूँ, और उसमें मूंग की दाल, जो हमारे घर में यानी केरला में बहुत ही ज़्यादा बनती है, और ये वाला रेसिपी मैं अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मूंग दाल को ऐड करना है, और इसमें कुछ कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला और कुछ ऑनियंस डाल के इसमें करीब 2 ग्लास पानी को मैं ऐड करूँगी, और इसे लगभग मैं 5 सीटी तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। पूरी के लिए मैंने इधर 1 कप आटा को लिया है, और इसमें मैं आलू को ऐड करूंगी जो हमने पहले ही स्टीम करके रख दिया था, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट को भी ऐड करूंगी। दो बन के रेडी हो गया है, और इन सारे को मैं एक ही साथ रोटी बना के तैयार करूँगी ताकि फ्राई करते समय मुझे भी थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि रोटी को बेल के फिर फ्राई करें, तो इसीलिए मैं सारे का एक ही साथ रोटी बनाऊँगी। पूरी मैंने बहुत बार बनाई है, पर ये आलू वाला पूरी मैं पहली बार बना रही थी, और इसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिला मुझे, तो आई एम वेरी हैप्पी। और इधर मूंग की दाल भी पक गई है, और इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट मिल्क को ऐड करूंगी और इसे थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इधर मैंने क्यूमिन सीड, मस्टर्ड और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है दाल को तड़का लगाने के लिए। तो
सबसे पहले मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट कराऊंगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। पूरी और दाल बहुत ही यम्मी बनी थी गाइज, और मेरे हस्बैंड को तो इस टाइप का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ब्रेकफास्ट के बाद अपने किचन के सारे काम को मैं ख़त्म करूंगी, और इधर मैं अपने चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा विनेगर के साथ साफ़ करूंगी, ताकि इससे चॉपिंग बोर्ड में जो रहती है स्मेल्स वो भी चली जाए और चॉपिंग बोर्ड भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैं इधर अपने गैस स्टोव को भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड विनेगर के साथ साफ़ करूँगी, और ये जो सिट्रिक एसिड वाला क्लीनिंग मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इससे ना जो हमारे डिसइंफेक्ट का भी काम हो जाती है। सो किचन हो गई है पूरी साफ, तो लंच बनाने के टाइम में मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लीनिंग का काम सारा ख़त्म हो गया है और मैं अब जाऊंगी लंच बनाने के लिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।